Assalam, Namaste, Sat Sri Akal. Hello friends, welcome to my YouTube channel, UK Rider Sumit. हम आज के वीडियो में जो हम बात करेंगे वो हम आज बात करेंगे OPPO मोबाइल्स के बारे में. उसके फीचर्स हम देखेंगे क्या क्या फीचर्स इसमें अवेलेबल हैं. सो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि OPPO आखिर है क्या. OPPO एक इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जो कि विश्व भर में अपनी सेवाएं देता है. क्या इनमें फीचर्स हैं, क्या इसकी खासियत है. OPPO लगभग मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूँ पिछले 2 महीने से इस्तेमाल कर रहा हूँ OPPO A37F, तो जिसके बारे में आपको बताना चाहूँगा. अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इन फ्यूचर अगर कोई अपडेट या कोई नया वीडियो कलर अपलोड करता हूँ तो आप तक उसकी इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुँचे. सो देखते हैं कि क्या इसमें कुछ नया है, क्या चीज़ में है. सबसे पहले मैं इसकी कैमरे की बात करता हूँ तो इसका फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल है और रियर कैमरा 8 मेगापिक्सल है. और इतना होने के बावजूद भी इसकी क्लियरिटी बहुत ही अच्छी है क्योंकि मोबाइल OPPO मोबाइल्स ऑलमोस्ट सारे फ़ोन इसके कैमरा फ़ोन्स हैं तो क्लियरिटी बहुत ही अच्छी है. अगर कोई फ़ोटो अगर मैं इस वक्त यूज़ करता हूँ तो आपको देख सकते हैं ये लगभग सुबह 5:30 बजे की एक पिक्चर है जो मैं भी तो आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी देख सकते हैं. और सेम एज अगर मैं इसके फ्रंट कैमरा की बात करता हूँ तो इसका फ्रंट कैमरा गुड क्वालिटी. अब बात करते हैं इसके फीचर्स की. इसका ड्रॉप डाउन अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पर आपकी जो भी एप्लीकेशन रनिंग है वो आप यहाँ पे शो करते हैं, टाइम आपको शो करेगा. इसके अलावा यहाँ पर इसके फीचर्स हैं लाइक मोबाइल डेटा, वाईफाई, स्क्रीन, आई प्रोटेक्शन. अगर आई प्रोटेक्शन का आप इस्तेमाल करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसके स्क्रीन का जो कलर है वो चेंज हो रहा है जो कि आपकी आइज पे पड़ने वाले प्रेशर को कम करता है. लो पावर मोड, अगर आपका मोबाइल का बैटरी जो है डाउन हो रहा है तो आप इसका लो पावर मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि आपका फ़ोन जो है मिनिमम पावर पे चलना शुरू करता है, काम करना शुरू करता है. इसके अलावा ब्राइटनेस मैनुअल है जिससे कि आप अपने फ़ोन की ब्राइटनेस को अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं. इसके अलावा इसके सिंगल हैंड यूजिंग फीचर है. अगर आप राइट हैंड से यूज़ कर रहे हैं तो आप इसे इस तरह से डाउन टू अप को एक एरो की तरह से यूज़ कीजिए तो आपका फ़ोन का स्क्रीन जो है छोटा हो जाएगा जिससे कि आपको सिंगल हैंड यूज़ करने में ज़्यादा आसानी होगी. सेम एज अगर आप लेफ्ट हैंड से यूज़ कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड से अपर साइड को एक एरो की तरह यूज़ कीजिए तो डायगोनली एक लाइन की तरह लाइन ड्रॉ कीजिए तो आपका स्क्रीन जो है छोटा हो जाएगा और आप ये सिंगल हैंड इस्तेमाल कर सकते हैं. सेकंड थिंग, अगर मैं इसके जो ट्रांजेक्शन्स हैं एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पर जाने के लिए अगर मैं वो चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इसको जो है इफ़ेक्ट पे जाके इसको चेंज कर सकता हूँ और आपको जो भी पैटर्न आपको पसंद है आप उसको यूज़ कर सकते हैं. वेजेस अगर मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो आप यहाँ पे अपने डायरेक्ट वेजेस के थ्रू आप जो है कुछ एप्लीकेशंस को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं जिसमें कि आप किसी भी ड्रॉप डाउन या किसी भी अदर एप्लीकेशन के अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है. जस्ट लाइक अगर मान लीजिए अगर मैं यूज़ करना चाहता हूँ व्हाट्सएप को तो मैं व्हाट्सएप का एक ड्रॉप डाउन बनाता हूँ और यहाँ पर जो भी फर्दर है वो यहाँ पर डिटेल्स मुझे मिलती रहेंगी. इसके अलावा हम इसके सेटिंग्स को देखते हैं कि सेटिंग्स में क्या क्या चीज़ें हमें दी गई हैं. सेटिंग्स को अगर मैं ओपन करता हूँ सबसे पहले एरोप्लेन मोड जिसमें कि आप किसी ऐसी लोकेशन पर जहाँ पे आपको फ़ोन बंद नहीं करना है बट नेटवर्क का आपको बंद करना है तो आप एरोप्लेन मोड का यूज़ कर सकते हैं. इसको इनेबल करने के बाद आपका फ़ोन ऑन रहेगा बट आप किसी भी नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं होंगे. इसके अलावा वाईफाई जिसमें कि आप किसी भी वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट हो सकते हैं. मोस्ट ऑब्वियसली इट्स अ ड्यूअल सिम मोबाइल.
एंड इट्स अ 4G फ़ोन, सो आप इसमें एक 4G सिम इस्तेमाल कर सकते हैं और एक 3G और 2G आप अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा वायरलेस कनेक्शन, इसमें हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ, USB थ्रेडिंग अवेलेबल है, जिससे कि आप अपने फ़ोन को दूसरी डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं। और इसका सबसे बेहतरीन फीचर मुझे ये लगता है कि इसमें वायरलेस डिस्प्ले का एक ऑप्शन दिया गया है, जिससे कि अगर आपके पास कोई भी LCD या LED जो कि वायरलेस डिस्प्ले सपोर्ट करता है, उससे कनेक्ट कर सकते हैं अपने मोबाइल से, आपके मोबाइल पर चलने वाला कंटेंट आप अपने डिस्प्ले पर डायरेक्ट शो कर सकते हैं। क्विक टाइम जिसमें कि आप अपने मोबाइल को कब ऑन करना चाहते हैं, कब बंद करना चाहते हैं, आप मैनुअली यहाँ पे एंटर कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली टाइम पे आपका मोबाइल क्विट कर जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा। डिस्प्ले ब्राइटनेस, आप यहाँ से अपने फ़ोन की डिस्प्ले का ब्राइटनेस चेंज कर सकते हैं, जो कि हम ऑलमोस्ट यहाँ से देख चुके हैं। गेस्चर एंड मोशन, सेम एज स्क्रीन लॉक गेस्चर, आपको किसी तरह का गेस्चर आपको यूज़ करना है तो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं। एडिशनल सेटिंग्स में हम देखते हैं जैसे स्टोरेज, आपके मोबाइल में स्टोरेज में क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ से चेक कर सकते हैं। डेट एंड टाइम, ओटीजी होने से आपको ये फ़ायदा मिलता है कि अगर आपकी मेमोरी कार्ड में अगर मेमोरी नहीं है तो आप OTG केबल के थ्रू आप अपने पेन ड्राइव को डायरेक्ट मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं और अपना डेटा आप अपने पेन ड्राइव में भी सेव कर सकते हैं। सो मेमोरी कार्ड के बाउंडेशंस ख़त्म हो जाती है कि अगर आपके मेमोरी कार्ड में स्पेस नहीं है तो आप फिर भी अपने वीडियोज़ या सॉन्ग्स कुछ भी आप डाउनलोड या सेव कर सकते हैं। बैकअप एंड रिस्टोर, आपको अपने मोबाइल का कोई भी डेटा बैकअप करना है, मेमोरी स्कैन, सिम, जो भी आपको यूज़ करना है आप बैकअप कर सकते हैं। अबाउट फ़ोन, अगर आपको फ़ोन के अधिक जानकारी चाहिए तो आप अबाउट फ़ोन पर जा सकते हैं, देख सकते हैं डिवाइस नेम, आप डिवाइस का नेम जो भी रखना चाहें, जैसे मैंने यहाँ पर सुमित किया हुआ है। मोबाइल का मॉडल नंबर, हम A37F के बारे में जान रहे हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं A37F। इसके अलावा इसका रैम, इसमें प्रोसेसर है क्वाड कोर प्रोसेसर, क्वालकॉम MSM916 क्वाड कोर, 2GB रैम के साथ ये है। और वन ऑफ द गुड थिंग इज़, अगर आप स्मार्टफोन से इतने ज़्यादा वाकिफ नहीं हैं और यूज़ करने में प्रॉब्लम होती है तो आप इसका सिंपल मोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सिंपल मोड इनेबल करने पे आप एक देखेंगे कि इसमें एक स्क्रीन आ जाएगी जिसमें कि आपको लिमिटेड चीज़ें ही आप इसमें देख सकते हैं, लाइक आप इसमें टाइम आपको शो कर रहा है, डे और मंथ आपको शो कर रहा है, डेट आपको शो कर रहा है और कुछ लिमिटेड चीज़ लाइक फ़ोटोज़ आपको शो हो रही है इसमें, फेवरेट आपको शो कर रहा है, कैमरा आपको यूज़ करना है कैमरा यूज़ कर सकते हैं, कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं आप यहाँ से, कॉन्टैक्ट आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, एमरजेंसी कॉल आप यहाँ से कर सकते हैं लाइक SOS, फायर अलर्ट, मेडिकल एमरजेंसी, मैसेजेस आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इस मोड से अगर बाहर निकलना है तो आप इसको साइडली मूव कीजिए और एग्जिट का बटन क्लिक कीजिए तो आप जो है नॉर्मल स्क्रीन पे आप आ जाएंगे। सो फ्रेंड्स, दैट्स इनफ फॉर टुडे। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा या बुरा लगा सो प्लीज़ कमेंट मी एंड गिव मी योर वैल्यूएबल एडवाइस और वैल्यूएबल कमेंट्स, जिससे कि मैं अपने इन फ्यूचर होने वाले एक्टिविटीज़ को मैं जो है सही कर सकूं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लाइक अस, सब्सक्राइब अस और शेयर अस। थैंक यू।